वाराणसी में शिवपुर क्षेत्र के दनियालपुर गांव में पार्षद गोविंद प्रसाद पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता मंजेश कुमार सरोज, आबकारी अधिकारी संजय कुमार एवं रामविलास मौर्य के नेतृत्व में क्रांतिकारी राष्ट्र नेता बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर बाबू जगदेव प्रसाद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंदौली के पूर्व सांसद कैलाशनाथ यादव, वाराणसी सपा जिला सचिव मोतीलाल यादव एवं बीएचयू के प्रोफेसर ब्रजेश कुमार सहित कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। सर्वप्रथम अपने पूर्वज माननीय जयदेव प्रसाद कुशवाहा जी के चरणों में श्रद्धा समर्पित करता हूं, क्योंकि आज उनका शहीदी दिवस है। उन्होंने अपने जीवन में इस देश के दबे कुचले रौदे गिराए गए पिछाड़े गए लोगों के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे थे अपने लोगों की बिगड़ी बात बनाने के लिए, और वो बिगड़ी बात बनाने के लिए लड़ रहे थे लेकिन कुछ सामंतियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। आज के दिन ही वो कोई आदमी गोली नहीं मारा था, वो DYSP से गोली मरवाई गई थी, वो प्रशासन द्वारा गोली मरवाई गई थी। सच यह है उसको छिपाया भी गया, बाद में उसका जो परिणाम हुआ वो तो दूसरा परिणाम आया लेकिन उनको दबाने की कोशिश की गई। आज उसका परिणाम है कि जगदेव बाबू खाली बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान में दबे कुचले लोगों के सम्मान का गौरव बन गए हैं, और हर जगह यहीं पर नहीं, आज कम से कम नहीं को तो हमको तक बिहार के अंदर कम से कम हजारों जगह उनकी जयंती ये शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। आज 5 तारीख है ना, आज 11 है, इन काम 5 तारीख को आज जन्मदिन है। हाँ आज जन्मदिन है उनका, मिस हो गया, जन्मदिन है। लेकिन समाज जो हमारा अभी है, क्योंकि हजारों साल से जो समाज पढ़ने लिखने वंचित था उसको तैयार होने में टाइम लगता है, तैयार करने का प्रयास। आज हम जो MLA MP हैं वो हमारे पिताजी की कमाई नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है, जिन्हें अपने 4 बच्चों को दवा के भाव में मरने दिया लेकिन हमारी बिगड़ी बात बनाने के लिए, हमारे समाज की बिगड़ी बात बनाने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। यह कुर्बानी देने के बाद संविधान बना, आज हर समाज को समता स्वतंत्रता बंधुत्व सबका अधिकार मिल गया, और सबसे बड़ा अधिकार जो दिया बाबा साहब ने वो एक वोट का अधिकार दिया, रानी का अधिकार, गांव के नौकरानी का अधिकार बराबर हो गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद भी हमारा समाज हमारी बिगड़ी बनाने के लिए जो संघर्ष होना चाहिए था वो हम संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं। जी आप समाज की बात कर रहे हैं, आप भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, 22 जनवरी से देश में राम राज भी चालू हो गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राम राज भी ठीक राज था, अभी 22 जनवरी से जो नया राम राज चालू हो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिटिया, हमसे जो पूछना चाहती हो ये जाएगा भी जाएगा। देखो हम शुरू से ही हम मानववादी हैं, हम कर्म की पूजा करते हैं, हम मंदिर में हम तो देख के यहाँ बैठे बैठे डर रहे हैं, सामने दुर्गा माई का फोटो लगा हुआ है, ये दुर्गा माई को देख के हम डर जाते हैं, इसलिए हम डर के मारे नहीं जाते हैं कि वहाँ शेर है कहीं हमको खा न जाए। तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। जिससे आप पूछना चाहती हो कुछ, वो बहुत ही ख़तरनाक आदमी करंट है, बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने खड़ा नहीं होते हैं, जान लो तूने जलखा तू जानती नहीं हमको है, क्यों इधर आइए बिटिया को लगा दिए, क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया है। मैं राम, एक मिनट, राम जो हमारा है वो जर्रे जर्रे में बास करता है, हमार कबीर का राम है जो घट घट में व्यापी है, ये सिया राम है, ये शरीर है, यही इसके अंदर जो रम रहा है रा और म मतलब बंद होना, ये घट घट व्यापी राम है। राम कहीं पत्थर में पहाड़ में नहीं मिलता है, जर्रे जर्रे में राम का वास हो रहा है, इस पीपल के गांच में भी राम का वास हो रहा है, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन 2400 घंटा दे रहा है, और ऑक्सीजन अगर 2 मिनट नहीं मिलेगी तो हम बिटिया जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा देवता ये वृक्ष है, क्योंकि वन संपदा ही जीवन है, वन आया पहले जीवन आया बाद में, इसलिए अगर पूजा करनी है, आज भी जंगलों में आदिवासी किसी मंदिर में नहीं जाता है, वो पेड़ की पूजा कहता है और कहता है कि हमारा जंगल ही
हमारा देवता है, ये हमको खाना देता है, हमको हवा देता है, हमको पानी देता है, ये जंगल ही हमारा देवता है, जो देने वाला है वही देवता है, ये जनता हमारी देवता है, जो हमको वोट दे करके MP MLA बनाया है, ये मेरे पिताजी कमाई नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझको वोट नहीं दिया है, इसलिए देता वो देवता है, तो ये हमारा वन संपदा ही जीवन देवता है, और जो मेरा राम है वो हमारे में नहीं तुम्हारे में बिटिया राम है, जरे जरे में राम है, खाली तुमको देखने का फर्क है, क्योंकि पेड़ पौधों में भी भगवान है, क्योंकि हम कहते हैं ना राधे कृष्ण ये भी सुन लो, ये राधे कृष्ण दोनों बिना राधे के कृष्ण नहीं, बिना कृष्ण के राधे नहीं, वो जो राधे कृष्ण देख रही हो वो अलग कृष्ण है, लेकिन ये जो अध्यात्म का कृष्ण वो अलग कृष्ण है, कि जो रम रहा है वो राम है, तो उधर भी जो रहा है वो राधिका है, क्योंकि कृष्ण अंदर हैं और जो रम रहा है वो राधे राधे हो रहा है वही राधिका है, बिना कृष्ण के राधे नहीं और बिना राधिका के कृष्ण नहीं, ये दोनों अध्यात्म है। हम लोगों को बहुत बहकाया गया है, तमाम तरह का भटकाया गया है, हनुमान चालीसा पढ़ लो तुम इंटर BA में पास हो जाओगे, आज तक सरस्वती माई का पूजा करने से कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर वैज्ञानिक नहीं है बिटिया, जो लड़का पढ़ेगा वो IS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो तो अहिरे घर पैदा हुए दूध बेच बे करेगा, ठीक है और कुछ चाहती हो क्या? मैं मेरा नाम मंजेश कुमार, सामाजिक एक्टिविस्ट, और मैं दानियालपुर शिवपुर वाराणसी का रहने वाला। आज किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जयंती है, वैसे तो वो 2 फरवरी को होते हैं, लेकिन हमारे महापुरुष हैं तो हम पूरा पखवाड़ा किसी दिन एक अपने निश्चित सुविधा के अनुसार हम लोग मनाते, तो आज संडे का दिन था तो इसलिए हम लोगों ने संडे का दिन चुना 11 फरवरी। किस किस को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया? मुख्य अतिथि के रूप में है जैसे हमारे पूर्व सांसद कैलाश नाथ यादव, विशिष्ट अतिथि उदय लाल मौर्या जी थे, और हमारे प्रोफेसर ब्रजेश कुमार, विजय नारायण वर्मा जन अधिकार पार्टी से, तो तमाम ऐसे इत्यादि साथी हमारे आए हुए हैं इस कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? नहीं, ये तो हमारे बड़े हर उल्लास का विषय है, जिस व्यक्ति को इतिहास में कायदे से सिलेबस में पढ़ाया जाना चाहिए था, लेकिन उस व्यक्ति को न सिलेबस में पढ़ाया गया और यहाँ तक कि उनकी स्मृतियों को भी हमारे से दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन संविधान लागू है, संविधान आया, हमें पढ़ने का हक हूँ और अधिकार मिला, ये हमारे महापुरुष हैं, ये इन्होंने बहुत मेहनत हमारे लिए हक अधिकार शोषित वंचित मजलूम के लिए लड़ा, हम लोगों के लिए लड़ा, और यही सामंतियों ने इनको साजिशन बिहार के कुर्था में रैली कर रहे थे, उनको गोलियों से मारा गया, इसलिए अब हम जानकार हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे और अपने महापुरुषों को अपनी जड़ों को याद कर रहे हैं, और हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने इतिहास को जानें, बिना इतिहास के बगैर हम अपनी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, और अपने यूथ को भी ये हम संदेश देना चाहते हैं।